पाकिस्तान में नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है सूर्या, अगर आप देखें नंबर वन पे सूर्या कुमार यादव ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, ट्विटर है पाकिस्तान, नंबर दो पर फीफा वर्ल्ड कप ट्रेंड कर रहा है, ये देखें आप। आज स्ट्राइक रेट से जो बैटिंग की है ये तो स्ट्राइक नाम आता है, तो स्ट्राइक रेट जो है वो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। ऐसे बल्लेबाजी होती है T20, ऐसे खेली जाती है क्रिकेट T20 में। इस साल में दूसरी सेंचुरी, फिर आए जनाबे वाला सूर्या कुमार यादव, वन मैन आर्मी, व्हाट अ प्लेयर ही इज यार। सूर्या कुमार यादव तुसी कमाल हो, क्या शानदार बैटिंग की है, चारों शाने चित कर दिया न्यूजीलैंड को, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग। सूर्या कुमार यादव भाई ठीक कहा था वसीम अकरम ने, ठीक बोला था, ये एक अदर ही प्लेनेट से है। इस मैच के बाद शाहिद खान अफरीदी ने जो सूर्या कुमार यादव के हवाले से बात किया है, और अफरीदी जो है हैरान नजर आए। शोएब अख्तर, अब वो क्यों सूर्या कुमार यादव की हर बंदा तारीफ करा, जब ऐसा नडल खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाता है तो हर बंदा तारीफ करता है, हर फैन तारीफ करता है। नासिर हुसैन ने तारीफ किया भाई आज, उन्होंने सूर्या को क्या क्या उन्होंने तारीफ की सूर्या कुमार यादव की। उन्होंने कहा है कि ये वो प्लेयर है जो सिर्फ दुनिया क्रिकेट में एक T20 में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, चमकता हुआ, आप इसको कहीं भी बॉल डालो ये आपको छक्का चौका मार के दे सकता है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया, और सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से पलनहारे की भूमिका निभाई। तो अब सूर्या के प्रदर्शन पे पाकिस्तानी क्या रिएक्शन देते हैं, आइए देखते हैं, और फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कमाल हो, क्या शानदार बैटिंग की है, चारों शाने चित कर दिया न्यूजीलैंड को, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग, इतनी प्यारी इनिंग खेलना ये सिर्फ और सिर्फ स्काई कर सकते हैं, और वाकई में उनकी बैटिंग देख के आज दिल खुश हो गया। क्या मारा है उन्होंने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, एक तरह से पूरा डोमिनेट किया, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स बेचारे परेशान होते रहे कि किसी तरह स्काई के विकेट मिल जाए, लेकिन स्काई कहाँ विकेट देने वाले थे। आज उनका दिन था, और उनका दिन कब नहीं होता, वो शानदार जितनी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप से दिखाते आ रहे हैं ये तो होना ही था, न्यूजीलैंड को खबरदार हो जाना चाहिए था, बिकॉज स्काई ने आज जिस तरह की इनिंग खेली 111 रन T20 में एक बार फिर सेंचुरी स्कोर किए, और इसके अलावा जो है वो आज स्ट्राइक रेट से जो बैटिंग की है ये तो स्काई के नाम आता है, तो स्ट्राइक रेट जो है वो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है, क्योंकि स्काई हमेशा हेल्दी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, और T20 क्रिकेट है ही इसी का नाम, ये बार बार स्काई अपनी बैटिंग से जो है वो बताते रहते हैं कि भाई T20 क्रिकेट में ऐसी ही बैटिंग होती है और ऐसी ही परफॉर्मेंसेज आपको दिखानी होती है। तो अगर किसी यंगस्टर को जो है वो इंस्पिरेशन लेनी है, अगर किसी को अपना आइडल बनाना है, तो वो सूर्या कुमार यादव को बनाए, बिल्कुल राइट इंसान है, बिकॉज जिस तरह की बैटिंग वो आजकल कर रहे हैं और जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, अगर यंगस्टर्स उनको देख के बैटिंग करेंगे तो यकीनन बहुत आगे जाएंगे। कमाल है, ज़बरदस्त, इनक्रेडिबल, मैग्निफिसेंट इनिंग बाय सूर्या कुमार यादव, बहुत ही शानदार इनिंग, दिल खुश हो गया आज उनकी बैटिंग देख। क्या जबरदस्त किस्म का जो है मुकाबला हुआ, क्या जबरदस्त किस्म की सूर्या कुमार यादव ने बैटिंग की है, और सूर्या कुमार यादव की बैटिंग को देखकर पाकिस्तानी लेजेंड्स भी मैदान में आए, और क्या उनकी तारीफों के पुल बांध दिए, चाहे वो शोएब अख्तर, चाहे वसीम अकरम, सब बड़ी शानदार किस्म की तारीफ करें सूर्या कुमार यादव की। अब ट्रेंड है पाकिस्तान के ट्विटर पर, तो आप ट्रेंड दिखाता हूँ, पाकिस्तान का जो ट्विटर है थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, वहां पर भी सूर्या कुमार यादव नंबर वन पर ट्रेंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी शानदार इनिंग की वजह से, क्योंकि जब भी आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपको यही देखने को मिलेगा, लोग इसी तरह हाईली आपको प्रेज करेंगे। सूर्या कुमार यादव डांट डाल के जो है वो लिख रहे हैं बार बार के भाई ऐसे बल्लेबाजी होती है T20, ऐसे खेली जाती है क्रिकेट T20 में। इस साल में दूसरी सेंचुरी, पहली नॉटिंगम में 55 गेंदों पे, आज आप फिर देख लो, फर्क ये था कि केन विलियमसन भी दूसरे एंड में था, वो हमारी तरह टुक टुक खेल रहा था, इवन सेमीफाइनल में भी वो आज से हमारे के टुक टुक खेल रहा था, आज भी वो टुक टुक खेल रहा है, वो टुक 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 लगा हुआ था, लेकिन भाई इवन इंडिया के खिलाड़ियों से कंपैरिजन कर ले, सूर्या कुमार यादव भाई ठीक कहा था वसीम अकरम ने, ठीक बोला था, ये एक अदर ही प्लेनेट से है। बात की ना शायद आफरीदी ने, वो कहते हैं सूर्या जिस तरीके से नडल क्रिकेट खेलता है, आपका आप उठाओ कोई प्लेयर दुनिया का कोई खिलाड़ी, और भाई कोई इस लेवल का प्लेयर नहीं है। आप शायद कह सकते हो कि यार लिविंगस्टन भी मिडिल ऑर्डर में खेलता है, टावर तोड़ बैटिंग करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या लिविंगस्टोन इतना लंबा जाता है? लंबा नहीं जाता। मोहम्मद हारिस है पाकिस्तान का, वो भी आते साथ तबड़ 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 बैटिंग करता है, लेकिन क्या वो लंबा जाता है 8-10-12 बॉलों पे खत्म? यही बाकी खिलाड़ी आप देख लो, वेस्टइंडीज से खिलाड़ी है, कोई टावर तोड़ बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही 12-13 गेंदों पे खत्म। यार यदि अब यही बात है कि अब आप शोएब अख्तर, अब वो क्यों सूर्या कुमार यादव की हाथ बता तारीफ कर रहे हैं, जब ऐसा नडल खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाता है
तो हर बंदा तारीफ करता है, हर फैन तारीफ करता है। नासिर हुसैन ने तारीफ किया भाई आज, उन्होंने सूर्या को क्या क्या उन्होंने तारीफ की सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने कहा कि ये वो प्लेयर है जो सिर्फ दुनिया क्रिकेट में टी ट्वेंटी में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, चमकता हुआ। आप इसको कहीं भी बोल डालो या आपको छक्का चौका मार के दे सकते हैं। इयान बिशप, ये देखें जी, इयान बिशप पाकिस्तान में नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है सूर्या का, या आज ये देखें नंबर वन पे सूर्य कुमार यादव ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, ट्विटर है पाकिस्तान। नंबर दो पर फीफा वर्ल्ड कप ट्रेंड कर रहा है, ये देखें आप, देखें नंबर दो पर जो है फीफा वर्ल्ड कप ट्रेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो है ये ट्रेंड कर रहा है सूर्य कुमार यादव जो है ट्रेंड कर रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। अब लोग बात करें ना, अब लोगों का मसला क्या, मसला ये है कि बाबर रिजवान जिस तरीके से खेलते हुए आए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, लो स्ट्राइक रेट था, टुक टुक करते रहे हैं। बात ये नहीं है कि बाबर रिजवान टुक टुक कर रहे हैं, बात ये है कि वो आपकी रैंकिंग में टॉप है, टॉप पे रैंकिंग पे। नंबर दो रैंकिंग रिजवान की है, नंबर थर्ड रैंकिंग बाबर की है, टॉप थ्री बल्लेबाज है टी ट्वेंटी में, वन सूर्य कुमार यादव, दो रिजवान, थर्ड पे बाबर आजम। लेकिन तरीकेकार बहुत डिफरेंस है। अब शोएब ने बात की है, शोएब भी बात कर रहे हैं कि आप टी ट्वेंटी को अगर आप इस तरीके से खेलोगे तो यार आप रन बनाते रहो, खाली रन बनाओ आप, रैंकिंग आपकी इंप्रूव होगी। ऐसे ही है, रैंकिंग 100% रैंकिंग इंप्रूव होगी 100%, क्योंकि जो आईसीसी का जो कैलकुलेटर है रैंकिंग का वो चलेगा। आप रन बनाते रहो, 40 बनाओ आज, 45 बनाओ आज, आप नीदरलैंड के अगेंस्ट बना लो आज, आप किसी भी टीम के अगेंस्ट बनाओ, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, किसी के अगेंस्ट भी रन बनाओ, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उससे आपकी मुल्क को फायदा होगा, क्या आपके फैंस को फायदा होगा, क्या आपकी टीम को फायदा होगा उस रन से? तो जवाब है नो, बिग नो, नहीं फायदा होगा। वहीं पर आज अभी अगर आप स्कोर कार्ड खोलो, स्कोर कार्ड और दिखाओ यहां पर जरा कि बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया है। रिमेंबर द नेम वन मैन आर्मी शो था, वन मैन आर्मी शो, ऊपर से पंत को चांस मिला, मैं कहता हूं अच्छा पॉजिटिव चांस था, उससे ऊपर रन नहीं बने। ईशान किशन ने भी टुक टुकी रन इतना तेज नहीं खेल सके, लेकिन यह बंदा आया है, इसने पूरी न्यूजीलैंड को सिंगल हैंडेडली, लॉकी फर्गुसन, एडम मिलने, टिम साउदी ने सेकंड हैट्रिक किया, दुनिया क्रिकेट के सेकंड टी ट्वेंटी बॉलर बना जिसने हैट्रिक किया, जिसने दो बार हैट्रिक किया सेकंड टाइम, तो दो दूसरा बॉलर बना है सऊदी। लेकिन भाई किसी बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं शो की, किसी वो छक्का, उधर छक्का, उधर छक्का, इधर छक्का, उधर चौका, मिस्टर 360 यार, सही बात, कमाल बल्लेबाजी, रियल 360। भारत की टीम ने न्यूजीलैंड को 65 स्कोर से शिकस्त दे दिया है। इस मैच के बाद शाहिद खान अफरीदी ने जो सूर्य कुमार यादव के हवाले से बात किया है और अफरीदी जो है हैरान नजर आए, और पावर प्ले में अगर देखा जाए तो भारत की टीम ने जो है वो बहुत जो है वो कम रन बनाए हुए थे, उस तरह से भारत की टीम जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाई। लेकिन फिर आए जनाबे वाला सूर्य कुमार यादव, वन मैन आर्मी, व्हाट अ प्लेयर ही इज, यार कमाल का प्लेयर है ये बंदा, क्या खा के आता है ये बंदा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसे ये बॉलर्स के पीछे पड़ जाता है ना, बॉलर्स ऐसे हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, आने वाले एक आध साल में ऐसे ही खेलता रहा तो यकीन माने बॉलर्स मैच से पहले ही हाथ जोड़ लिया करेंगे, यार स्काई के खिलाफ हमें बॉलिंग नहीं करनी है। जिस तरह से ये बंदा खिलवाड़ करता है, जहां पर इस बंदे को बॉल मिलता है वहां से उठा के ये छक्का लगा देता है भाई, जहां पर इसको बॉल मिलता है वहां से छक्का लगा देता है, ऐसा लगता है यार ये कोई रोबोट है। इस तरह से जो अब इसकी कलाइयां चलती हैं, और जहां पर बॉल पिच होता है वहां से उठा के कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगा देता है, कभी पॉइंट के ऊपर से छक्का लगा देता है, कभी मिड ऑफ के ऊपर से, कभी मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगा देता है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से दिखा दिया कि आखिर वो टी ट्वेंटी के नंबर एक बैट्समैन क्यों है। आज जहां पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है, वहीं पाकिस्तानियों पर सूर्य कुमार यादव का बुखार चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में ट्विटर पर सूर्य कुमार यादव नंबर एक पर ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं फीफा वर्ल्ड कप नंबर दो पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों अभी अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ जिसमें टीम इंडिया कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया। दोस्तों सूर्या ने अपने अंदाज में बैटिंग करते हुए एक बार फिर से ताबड़तोड़ बैटिंग की और 51 गेंदों पर 111 रन की पारी खेली, और वो भी 217 के स्ट्राइक रेट से, जिसके लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव लगातार टीम इंडिया के लिए रन बनाए जा रहे हैं, और वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से, 150 से 200 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। जैसा आप जानते ही हैं टी ट्वेंटी में रन बनाना मायने नहीं होता है, रन तो रिजवान भी बनाता है, बाबर भी बनाता है। रन बनाने से आपकी रैंकिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन आप टीम के लिए नहीं कुछ करते हैं। वहीं सूर्या जब रन बनाते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट 150 होती है, 200 होती है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।